हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो हम जवाब देने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका हम आज बिल्कुल निचोड़ लाए हैं और इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे जो एग्जाम में कभी नहीं भूल पाएंगे, और साथ ही साथ ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। यह हमारे बहुत सारे आगामी एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य एग्जामों के लिए, यूपीपीसीएस के लिए भी यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो दोस्तों, हुआ क्या था कि उस वक्त जो है लॉर्ड मेयो का जब शासनकाल था 1872 के आसपास, वो जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करने के लिए जाता है तब एक अपराधी द्वारा, जिसका नाम था शेर खां अफरीदी, और शेर खां अफरीदी द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। दोस्तों, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को मुख्य रूप से यह जाना जाता है कि यह बंगाल विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है और इसी समय 1905 में यह जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी के बारे में हमने देख लिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी के बारे में हमने देख लिया। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है मुख्य रूप से भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्लो, ये 1909 में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उसी समय भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कोई भी वीडियो से आपको रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, अपने दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों, महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। जो महाभियोग का चलाया गया था वो चलाया गया था आपका, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ब्रिटिश संसद में महाभियोग का चलाया गया था, वो हो जाएगा आंसर सी, वारन हेस्टिंग। जब ये काल को समाप्त करके भारत से ब्रिटेन जाता है तभी उसी समय वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा ब्रिटिश संसद में चलाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर पूरी तरह से महाभियोग का मुकदमा खारिज हो जाता है और वारेन हेस्टिंग केस जीत जाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है, जनरल डायर। जनरल डायर जो है मुख्य रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था, तो इसको हम लोग जलियांवाला बाग से हत्याकांड से जोड़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो दोस्तों, जो देखिए, ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1999 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। देखिए, क्वेश्चन दो तरह से आता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था कौन था, तो ये आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो जब शासक की बात आएगी तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। तो क्वेश्चन सेवन का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद का निजाम। तो दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, हमें समझना होगा कि कब हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई थी। और उस समय जो हमारा गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के ऊपर ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को याद रख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है, लॉर्ड बेंटिंक। लॉर्ड बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और इसी के समय में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था और सती प्रथा जो कि राजा राम मोहन के साथ मिलकर इन्होंने खत्म किया था। और जो हमारा सी ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को मुख्य रूप से सहायक संधि के लिए जाना जाता था। ये सहायक संधि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर था और ये पूछा भी जाता है कि सहायक संधि के जनक कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो देखिए, क्वेश्चन दो तरह से आता है। इसमें क्वेश्चन आएगा, अगर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की
थी, आंसर होता है बट क्लाइव। बट यहाँ पे क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो पूछा है कि समाप्त किसने किया था, तो समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2005 और 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अगले अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो दोस्तों देखिए प्रथम, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1766 से 1769 के बीच हुआ था। टोटल 4 मैसूर युद्ध के हुए थे, जिनमें आंग्ल मैसूर यानी एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मैसूर राज्य था, इन दोनों के बीच 4 युद्ध हुए थे। तो हमें यह भी याद रखना होगा कि 4 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध था वो हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें कि हैदर अली अंग्रेजों को हरा देते हैं। इसमें तीन तरफ तीन तीन सेना एक साथ मिलकर के हैदर अली के साथ दे रही थी, जिसमें कि हैदर अली एक थे, दूसरे थे मराठा, तीसरे थे आपका हैदराबाद के निजाम। ये तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, इसलिए बहुत ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को वहाँ पे पटकनी दे दी और हरा दिया। तो इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को हैदर अली ने जीत लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों देखिए सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो था दलीप सिंह। वो थे कौन, दलीप सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दलीप सिंह। तो दोस्तों इसमें कुछ और क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हमारा क्वेश्चन का जो कुछ और, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दलीप सिंह। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ मैं और बताना चाहता हूँ कि सिख राज्य का जो अंतिम राजा थे तो वो तो दलीप सिंह थे, लेकिन जो खड़क सिंह थे वो हमारे महान राजा महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। इनके गद्दी पर बैठने के बाद जो है दिलीप सिंह अंतिम राजा बने। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्य की राजधानी क्या थी। तो जी दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो सिख मिसल के 12 मिसल में से एक मिसल के मुखिया थे, जिस मिसल का नाम था हमारे, उस मिसल का क्या नाम था, उस मिसल का नाम हमारे था सूकर चकिया मिसल, और उसी मिसल के में महाराजा रणजीत सिंह मुखिया थे, और इनकी जो राजधानी पर क्या थी, लाहौर। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी, लाहौर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो दोस्तों देखिए जब नेपोलियन ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा था, तो उस समय का जो सन था ये याद हमें होना चाहिए, वो सन था 1802 से 3 के आसपास, और उस समय नेपोलियन की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और वो ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसी समय भारत में जो है शासनकाल किसका चल रहा था, उस समय शासनकाल जो चल रहा था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का चल रहा था, जो सहायक संधि के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात कर लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी जो था वो राज्य हड़प नीति के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था, और 1856 में जो है इसने अवध को अपने आप शासन में यानी अपने राज्य में मिला लिया था, में झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। इसका शासनकाल 1848 से 1856 के बीच था, और इसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में ही सबसे पहले रेलवे 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि तो लॉर्ड डलहौजी क्या था, वो मुख्य रूप से जो राज्यों का विलय करता था वो राज्य हड़प नीति के द्वारा करता था, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी शासक के पास अपनी संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता था। अगर वो गोद लेता तो वो तुरंत इस पॉलिसी के विरुद्ध जाता, और उस पॉलिसी के विरुद्ध जाने के वजह से लॉर्ड डलहौजी उसे तुरंत अपने राज्य में मिला लेता था, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लेकिन एकमात्र राज्य जो था अवध, जिसको इसने क्या किया था, इसने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत तो नहीं मिलाया था, लेकिन कुप्रशासन के आधार पर 1856 में, जैसा कि हमने पहले इससे क्वेश्चन में बताया आपको, 1856 में कुप्रशासन के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।